थाने से सटे भिवंडी के पद्मा नगर गायत्री नगर इलाके में, जिसे महानगर पालिका ने अति धोखादायक इमारत घोषित किया था, रात 11:30 बजे के दरमियान इमारत गिर गई, पर प्रभाग 3 के प्रभाग अधिकारी ने जबरन खाली करा दिया था, जिसके कारण कोई जीवित हानि नहीं हुई। घटना स्थल पर महानगर पालिका आपातकालीन टीम अग्निशमन दल के जवान मौजूद थे। क्योंकि ये अति धोखादायक बिल्डिंग थी, प्रभाग समिति टीम के माध्यम से यहाँ पे आज चुपेट में सबको यहाँ से निकाला गया था और यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। इसके लिए आज यहाँ पर बिल्डिंग गिरने के बाद भी कुछ मनुष्यहानी हुई नहीं है, ये हमारे नशे पे बिल्डिंग वाले की। जी कितना मंजिल इमारत थी ये? 3 माले की बिल्डिंग थी, ग्राउंड प्लस 3। इसे आज ही कार्रवाई की आज की? हाँ, आज ही कार्रवाई की थी प्रभाग समिति टीम के मार्फत। वो अच्छा हुआ कि आज कार्रवाई हो गया और आज ही बिल्डिंग गिर गया, नहीं तो बहुत कुछ हानि हो सकती थी यहाँ पर। बिल्डिंग का नाम क्या है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? तो बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी होगी, इतनी मालूम मुझे अभी मेरे पास नहीं है, मगर बिल्डिंग बहुत पुरानी है। मुंबई में आए दिन लोकल ट्रेन से गिरकर हादसे में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टंट करने के जोश में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से चूकते नहीं हैं। हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें एक लड़का तेजी से चल रही लोकल की छत पर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस लड़के ने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। बीजेपी महिला मोर्चा ने आप विधायक दिनेश मोहनिया इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके में प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय में चूड़ियां फेंकी। के अपने स्वार्थ के कारण से आज दिल्ली की महिलाओं का जो अपमान इनके एमएलए इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, ये मोहनिया हो, कुमार विश्वास हो या स्वयं केजरीवाल जी हो, जो अपमान ये कर रहे हैं, हम ये चूड़ियां उनको देके आए हैं कि तुम में अगर सामर्थ्य नहीं है, तुम में अगर ताकत नहीं है तो ये चूड़ी पहन लो, ये महिला जगत की जो ताकत है, जो धैर्य है, जो विश्वास है, ये तुम्हें शायद मिल जाए तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप कर पाओ। आज आपके ही एमएलए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं, उनके ऊपर कहीं कोई कुत्ते छोड़ रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, एक एक व्यक्ति एक आवाज नहीं आपकी निकली कभी महिला जगत के समर्थन में दिल्ली की महिलाओं के लिए। देख रहे हैं कि पुलिस ने आपको जबरन रोका, इतनी संख्या जा रही थी, क्या कोई मिला है वहाँ पे? उनका स्टाफ था, हम उन्हें देख करके आए हैं, चूड़ियां वहाँ फेंक करके आए हैं, उनके यहाँ छोड़ करके आए हैं, उनमें शर्म होती तो आज यहाँ रुकते, हमसे बात करते, पूछते कहाँ दिक्कत है, परंतु वो शर्म के मारे बैठे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि गलती उनकी है। आज दिल्ली की महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनकी सुरक्षा में लापरवाही हो रही है, सब दिल्ली सरकार कर रही है। ऊपर से केजरीवाल तोहमत भी हम ही पे लगाते हैं, कहते हैं क्यों उठा लिया मोहनिया को, क्यों नहीं उठाएगी? अगर दिल्ली पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा में कोताही बरतेगी तो हम उनकी भी बजा देंगे। ये सीएम तो है क्या चीज, जनता ने इन्हें बनाया, दिल्ली की महिलाओं ने इन्हें चुना और उन्हीं के साथ ये दुर्व्यवहार, नहीं सहेगा महिला जगत, नहीं सहेगा। हरिद्वार जिला आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा से लाया जा रहा अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। अधिकारियों ने सिंह दरबार के पास से हरियाणा के रोहतक से लाई जा रही अंग्रेजी शराब की 55 पेटी एक कार से बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है।
ये हमें मुखबिर की सूचना पे प्राप्त हुआ है कि ये गाड़ी आ रही थी दिल्ली साइड से, वैसे रोहतक से है ये, हमने इससे जानकारी ली है। और ये एसेंट कार है, इसमें 55 पेटी शराब आ रही थी और इसकी लगभग कीमत 3.5 लाख रुपये है। इस पर हम पूरी मुस्तैदी से लगे रहते हैं, हम लगभग महीने दो महीने में हमेशा इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, गाड़ी हम पकड़ ही लेते हैं। इसमें बाहर से हम पूरी रोक लग चुकी है इस बार तो, नहीं हमेशा नहीं, जब भी हमें मैक्सिमम केस में हम पकड़ ही लेते हैं। हरिद्वार में इस तरह की कोई भी अब बाहर की कोई शराब नहीं प्राप्त हुई यहाँ पे। सर ऐसा तो नहीं किया, नहीं हम पूरी हमारे मुखबिर लगे हैं और ये गाड़ी यहाँ हरिद्वार नहीं है बल्कि ये इससे हमने सूचना ली है तो ये बाहर पहाड़ों की तरफ जा रही थी, हम लगे हैं इसमें कोई दौरा नहीं है। हरिद्वार दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि तरी वल्लूर की मूर्ति के अनावरण को लेकर किए गए संतों के विरोध के बाद राज्य अतिथि गृह डाम कोटी में मूर्ति का औपचारिक माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल के साथ साथ भारी संख्या में दक्षिण भारत से आए वरिष्ठ अतिथियों ने शिरकत की। ऐसा है कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना यह भारत की एकता और मजबूत करने वाला काम है। पूर्व के दिनों में गंगा का पानी लोग लेकर रामेश्वर जाते थे, अब यह रामेश्वर का धनी यहाँ आया है और जिस प्रकार से ये मूर्ति उसके लिए सबने दिया हुआ सहयोग, मुझे ऐसा लगता है कि हरिद्वार के लिए यह एक शोभा देने वाला, याद दिलाने वाला, और जो भी भारतीय यहाँ पर आएगा वो निश्चित तौर पर उनका स्मरण करेगा, याद करेगा। और इस भूमिका में आज का दिवस मैं मानता हूँ कि सुनहरा दिवस है। I'd like to thank Honorable Tarun Vijay MP for extending his invitation to us. And on behalf of Ceylon Workers Congress General Secretary Armon Thondaman and the people of Sri Lanka, I have participated here. I would like to extend our support on the Thiruvallur, this function, by attending this, because Thiruvallur is not a saint or a religious person. He is a person who preached philosophy. He has preached more than 1,330 chorals, and out of that 1,330, everything are to guide the human on a positive way. So his chorals is not only. हुंगली श्रीरामपुर नगरपालिका के 7 नंबर वार्ड में डेंगू के प्रकोप से 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है। पीड़ितों में महिलाओं की तादाद अधिक है। पीड़ितों को तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर दाने उभरने की प्रमुख शिकायतें सामने आई है। ফ্ল্যাটে যেটা দেখলাম যে ডেঙ্গু পেশেন্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং ওদের সচেতনতার অভাব আছে, ওরা মশারি খাটাচ্ছে না। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে কোনো জমা জল আছে কিনা সেটা দেখছি, সেটা আমরা এখনও সেরকম পাইনি জমা জল। এবারে বাইরে কেউ যাচ্ছে কিনা সেটাও আমরা খোঁজ নিচ্ছি, তো আমরা এখনও সেটাও পাইনি যে বাইরে কেউ গেছে, এখান থেকেই হয়েছে। এবার সেইটা আমরা আরও ব্যাপারটি ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি। এ পর্যন্ত কতজন আক্রান্ত করলেন? এ পর্যন্ত আমরা 3 জনকে পেয়েছি প্রপার ডেঙ্গু আক্রান্ত, অন্যান্য আছে কিন্তু ভাইরাল ফিভার।
সব কিন্তু ডেঙ্গু না, অনেকে যেটা ভাবছে আমরা এলাইজা পজিটিভ, এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন পজিটিভ বা এলাইজা টেস্টেড এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন পজিটিভ হতে হবে বা আইজিএম পজিটিভ হলেই আমরা ধরছি। এখনও আমরা এই যে পেশেন্টটা আইজিএম পজিটিভ যেটা আমরা একটাও পাইনি এখনও পর্যন্ত, এখানে এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন যেটা দেখলাম তিনজনকে দেখেছি টোটাল, মুখার্জিপাড়া আর এখানটা মিলে। নমস্কার, আপনার নাম? আমি হচ্ছি ডক্টর শ্রাবণী মল্লিক, ভেক্টর ওয়ান ডিজিজ কনসালট্যান্ট, সিএমওএইচ অফিসের স্টাফ। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर थाना में अज्ञात बदमाशों ने यात्री बस रोककर एक बुजुर्ग यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश खेतों के रास्ते पैदल भागकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दो लड़के कहां से आए, उनने सीधे अंदर आके उस बब्बा को पटक लिया और स्पॉट पे गोली मारी। कितने फायर किए? दो फायर किए। कितने लोग थे वो? वो दो जन। अच्छा, बस को रोका फिर? बस को रोका, हम दो सवारी उतार रहे थे, डेढ़ सवारी हमने उतारी थी, मैं भी अंदर गया, उनने बब्बा को पकड़ो, एक गोली घाड़ी जब बम से भाई, दूसरी बब्बा में नीचे घाड़ी और दर्द। अच्छा, तो वो कहाँ, बस में सवार थे या गाड़ी से थे? नहीं नहीं, तो कछु नहीं, हमें तो बैठे मिले थे सकी जाते। अच्छा, कहाँ चले गए वो लोग? वे तो दौड़ के भाग गए। अब जी तो हमें रहने वाला है, ये टीकमगढ़ से अपने 307 के केस में जो है पेशी से लौट रहा था, तभी रास्ते में बस में इसको रोके गोली मारी गई है। और संभवतः जो है ये पुरानी जो 302 307 के मुकदमे चल रहे हैं उससे इसका ताल्लुक हमें फोन में आ रहा है। बाकी इसमें विश्लेषण की जा रही है और शीघ्र ही हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी सर का पीछे जो है पुलिस की टीम लगी हुई है और हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं सभी सर को पकड़ा जाए। सर, जो मृतक है उसके जेब में से कुछ सामग्री वगैरह निकली है क्या? हाँ, उसकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद चुनावी रंजिश में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बुलंदशहर के सयाना इलाके का है, जहां एक पानी कारोबारी की चुनावी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई और हत्यारे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घटना का 12 पैसा का वाटर सप्लाई का काम है अपना, यहाँ था चार पांच लोग जैन गाड़ी पहुँचे, गोली मार दी। चुनावी रंजिश थी? हाँ, पुरानी का यू चुनाव जो हुआ है, चुनाव जो है चुनावी रंजिश थी, निर्दोषी आ गई है, जो चुनाव जीता है वो वोटों से रंजिश मान रहा ना। हम तो पहले बीडीसी लड़े थे, पहले हम तो जीत चुके, बीडीसी कोई झड़पड़ नहीं है, प्रधान ही लपड़ा है निर्दोष से, निर्दोष के साथ पाँच चार लोग और थे। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर अपनी दादी का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे करण सिंह के परिवार के लोग भी एक घटना का शिकार हो गए। यह सभी एक कंटेनर में सवार होकर अनूप शहर गंगा घाट से अंतिम संस्कार कर बुलंदशहर के अनूप शहर अड्डा पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक डीसीएम मेटाडो ने इनके कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कंटेनर में सवार 35 से 40 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। नाम कल्लू सैनी। हाँ बताओ क्या हुआ? हम फिरंगर को क्रम करकार दादी का एक्सीडेंट होगा, पीछे से टक्कर मारी थी। कितना? 20 हम मारे हैं। हाँ, फिर सगले घायल हो गए, 40 जने थे इसमें जिला बस्ती में। कितने लोगों की हालत खराब है? कितने में होंगे कम से कम 30 लोगों की हालत खराब है, 30 जने होंगे कम से कम। पवन कहाँ गए थे और क्या हुआ था? हुआ ये हम गए थे अनूप शहर, अपनी दादी को लेकर। क्या करने? ख़त्म हो गई थी, उन्हें जलाने गए थे, हम गर्म करने थे, तो वहाँ से लौटते दफे में हमारा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग? 40 का। 40 का।
मतलब हालत खराब।